हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। एमएससी बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर के 14th पेपर में, जो नेचुरल रिसोर्स और कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उसमें एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जो ज़मीन पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसके कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हॉटस्पॉट्स के रूप में रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं वो ऐसे एरिया होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के, जैव विविधता के ऐसे एरिया हैं जहाँ अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ पाया जाता है और उसमें से ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती हैं, रेयर और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती हैं। ये जो कंसेप्ट था ये सबसे पहले ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर ने दिया था 1988 में, जिन्होंने ये टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ऐसे रीजन्स के लिए जो कि जहाँ एक्सेप्शनल लेवल्स ऑफ प्लांट एंडेमिज्म पाया जाए और बहुत सीरियस लेवल पे हैबिटेट लॉस हो गया हो। कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो संस्था है उसके हिसाब से उन्होंने इस बारे में काफ़ी वो काम करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और उन्होंने ऐसे जो हॉटस्पॉट्स, जब हम किसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं हॉटस्पॉट के रूप में, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हिसाब से वो दो मापदंडों पे खरा उतरना चाहिए या वहाँ पे दो क्राइटेरिया उनको फुलफ़िल करने चाहिए, तो हम उसे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला तो ये है कि वहाँ लगभग 1500 स्पीशीज़ जो हैं वेस्कुलर प्लांट्स की वो होनी चाहिए। 1500 स्पीशीज़ का मतलब है 0.5% ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड टोटल एज एंडेमिक, और वो स्पीशीज़ जो है वो एंडेमिक, ज़्यादातर उनमें से एंडेमिक होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो स्पीशीज़ वहाँ पाई जा रही हैं उसमें से 70% जो है वो उनका लॉस हो चुका हो, 70% प्लांट स्पीशीज एंड दे शुड हैव लॉस 70% और मोर ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन, मतलब वहाँ पे सिर्फ 30% जो है वो ही ओरिजिनल वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन वो होनी चाहिए, बाकी का लॉस हो गया हो या वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में पाई जाए। तो मायर ने 1988 में अपना पेपर जो नेचर जर्नल था उसमें पब्लिश किया था, और उसमें बताया था कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट की जो उन्होंने कल्पना की थी वो सबसे पहले उसमें दी थी। अभी दुनिया में लगभग करीब 36 एरियाज़ ऐसे हैं, 36 ऐसे जगह हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में क्वालिफाई कर रही हैं, और ये जो जगह हैं, ये जो एरियाज़ हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, वो अपनी धरती की जो लैंड सरफेस है उसका केवल 2.4% पार्ट कवर करते हैं, और दुनिया की मतलब आधी पॉपुलेशन, आधी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं, हाफ ऑफ दी प्लांट स्पीशीज़ वो एंडेमिक है या वो कहीं और दूसरी जगह नहीं पाती है, नहीं पाई जाती हैं। उसमें से भी लगभग 43% जो हैं वो बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। तो मायर ने सबसे पहले जब 1988 और उसके बाद में 2000 में अपने और पेपर पब्लिश किए थे, तो स्टार्टिंग में 25 टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ही बताए थे, और उसमें से भी जो 9 ऐसे हॉटस्पॉट्स थे जो कि हम कह सकते हैं कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स थे, जो 30% ऑफ
जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उसका 30% उनमें मिलता था, और 25% ऑफ ऑल स्पीशीज़ इन फोर वर्टिब्रेट ग्रुप्स, उनका 25% होता था वर्टिब्रेट ग्रुप्स का पाया जाता है, और 30% प्लांट स्पीशीज़ का पाया जाता है। एंड दे कवर एंड इनिशियली दे कवर ओनली 0.7% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस। द लीडिंग हॉटस्पॉट्स दे आर रिचर इन एंडेमिक स्पीशीज देन अदर हॉटस्पॉट्स। जो ये सात उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, सॉरी 9 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे इनमें से 25 में से, उनमें भी ज़्यादा मतलब एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है बाकी के दूसरे हॉटस्पॉट्स से। तो ये जो इन हॉटस्पॉट्स में भी जो ज़्यादा स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ वाले एरिया थे उनको उन्होंने हॉटेस्ट हॉटस्पॉट नाम दिया, और उनके नाम इस तरीके से हैं कि मेडागास्कर एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स, सेकंड वन इज़ फिलीपींस, थर्ड इज़ सुंडालैंड, फोर्थ इज़ ब्राज़ील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, फिफ्थ इज़ कैरेबियन आइलैंड्स, सिक्स्थ इज़ इंडो बर्मा रीजन, सेवन्थ इज़ वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, एंड ईस्टर्न आर्क माउंटेंस एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केनिया। तो ये जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है उन्होंने 2005 में उन्होंने उसमें 9 और बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स जोड़ दिए, जो 25 ओरिजिनली मायर ने बताए थे 2000 में, उसमें उन्होंने 9 और ऐड किए, तो उससे ये संख्या जो है वो 34 तक पहुँच गई। जो नए हॉटस्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वो उनमें से कुछ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईरानो एंटोलोनियन, जापान, मेडिटेरेनियन, पाइन ओक वुडलैंड्स और एल्बानी माउंटेन्स एंड सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स उसमें शामिल थे। तो जो 34 हॉटस्पॉट्स थे उन्होंने वो लगभग 2.4% जो है अर्थ का लैंड सरफेस वो कवर करते थे और करते हैं, और 70% या इससे ज़्यादा प्राइमरी वेजिटेशन जो है वो वहाँ पे थ्रेटन्ड मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और प्लांट स्पीशीज़ की पाई जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये 34 जो नंबर है वो भी अब बढ़ के उसमें 2 हॉटस्पॉट्स और जुड़े, और फरवरी में 2016 में 2 हॉटस्पॉट्स जो थे नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन और इसके बाद इसके साथ में और भी एक और हॉटस्पॉट और जोड़ के ये हॉटस्पॉट्स जो थे वो दुनिया में 36 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं उनका एक बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम होता है, और हमने देखा कि ये जो जैसे जो ओरिजिनल 25 हॉटस्पॉट्स थे उन्होंने 11.8% जो है लैंड सरफेस कवर कर रखा था, लेकिन जो ये सारे हॉटस्पॉट्स जब आ गए, 36 हॉटस्पॉट्स जब आइडेंटिफाई हो गए, तो दे कवर्ड मोर देन 15.7% ऑफ लैंड सरफेस एरिया। बट इन प्लेस ऑफ जो क्राइटेरिया था कि 70% जो है वो लॉस हो जानी चाहिए स्पीशीज़, उसकी जगह हमने यहाँ पे देखा है कि 85% ऑफ देयर हैबिटेट जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और ये लॉस ऑफ हैबिटेट जो है वो बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए जो हॉटस्पॉट्स हैं उनकी जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे अर्थ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और हम सभी उस पर डिपेंड करते हैं, और ये अभी काफ़ी क्राइसिस से गुजर रही हैं स्पीशीज़। इस पर कई तरीके के खतरे हैं जो हम थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो इन सब को बचाने के लिए हमें हॉटस्पॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और उनके कंजर्वेशन की बात करनी है, क्योंकि बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं एंडेमिक स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, जो कि और दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं, और ये दे आर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ दे आर हेविली थ्रेटन्ड
by habitat loss and other human activities. These areas are the biodiversity hotspots, the 36 reasons where success in conserving species can have an enormous impact in securing our global biodiversity. तो हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन स्पीशीज़ के बिना जो यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जा रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि हमें पेड़ नहीं होंगे तो हवा नहीं मिलेगी और फूड नहीं मिलेगा और कई सारे जो हम ह्यूमन कई सर्विसेज जो ये देते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज जो इस पे डिपेंड करते हैं, वो सारी हमें इनसे बायोडायवर्सिटी से मिलती हैं। तो यहाँ ये एक लिस्ट है, इसमें मैं आपको इसके साथ में इसका पीडीएफ भी इसका साथ में आपको शेयर किया जाएगा। तो उसमें ये 36 जो हॉटस्पॉट्स हैं और उनकी लोकेशंस हैं उनके बारे में बताया है कि इनके नंबर, इनके नाम क्या क्या हैं हॉटस्पॉट्स के और ये दुनिया के किस भाग में पाए जाते हैं। ये एरिया वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जैसे नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स, मीजो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स, ये हॉटस्पॉट्स हैं। और कैरिबियन आइलैंड्स में कैरिबियन रीजन में कैरिबियन आइलैंड्स, साउथ अमेरिका में अटलांटिक फॉरेस्ट, सिराडो, चिलियन विंटर रेनफॉल, टुम्बिस चोको मैगडालिना, ट्रॉपिकल एंडीज, यूरोप में मेडिटेरेनियन बेजिन, अफ्रीका रीजन में 8-9 इसमें से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, केप फ्लोरिस्टिक रीजन, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न एफ्रोमॉन्टेक माउंटेन, गुनिया फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स और मापुता लैंड, एल्बानी, सकुलेंट कारो, सेंट्रल एशिया में माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में हिमालयन इंडो बर्मन और इंडिया और म्यांमार। तो ये जो हैं वो काफ़ी सारे हमें पाए जा रहे हैं। ईस्ट एशिया में जापान, माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट, ये इस तरीके से ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से ये काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स दुनिया में पाए जा रहे हैं। और इन सारे जो 36 हॉटस्पॉट्स हैं बायोडायवर्सिटी के, टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स की बात हो रही है, ये मरीन हॉटस्पॉट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसमें से 4 जो हॉटस्पॉट्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं या उनका कुछ भाग इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें से पहला है वेस्टर्न घाट्स जो कि पेनिनसुलर इंडिया में किनारे पे पाया जाता है वेस्टर्न रीजन में, और ये क्योंकि ओशन के पास है इसलिए ये यहाँ पे बहुत अच्छी रेनफॉल पाई जाती है, जो डेसीडियस और रेन फॉरेस्ट जो हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं, और करीब 6,000 वेस्कुलर प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं विच बिलोंग टू 2,500 जीनस ऑफ द प्लांट्स एंड 3,000 प्लांट्स आउट ऑफ दीज आर एंडेमिक प्लांट्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट हो जाता है। ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो अगस्त्यमलाई रीजन है, जो हिल्स हैं साउथ में वहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की भी काफ़ी स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है। ये 190,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो दूसरा हॉटस्पॉट है बायोडायवर्सिटी का वो हिमालयाज हिमालयन रीजन में पाया जाता है, जिसमें भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल आते हैं। और ये भी इसमें भी दुनिया की जो ऊंची माउंटेन चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट और केटू वो यहाँ पे पाई जाती हैं, और करीब 100 तरीके के छोटे माउंटेंस भी यहाँ पर मिलते हैं। और 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इस रीज़न में हैं, जिसमें रेनोसेरोस, वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, इसी तरीके के 45 मैमल्स, 50 बर्ड्स, 12 एम्फीबियंस और करीब 36 प्लांट स्पीशीज़ जो एंडेमिक है वो यहाँ पे पाई जाती है। और जो ये
एरिया है इसमें कई तरीके के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, हिमालयन क्वेल, हिमालयन वल्चर, वाइट बिल्ड हेरॉन और इसी तरीके के और भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का, वो दैट इज़ इंडो बर्मा रीजन कहलाता है, और इस रीजन में कई कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ वाला हिस्सा है, म्यांमार, चाइना का युआन प्रांत जो है वो, और वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के भी कुछ पार्ट इसमें पाए जाते हैं, और ये 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें भी करीब 13,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो यहाँ पे पाई गई हैं, जो कि इसमें से कई मतलब आधी से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेमिक हैं और जो दुनिया के दूसरी जगहों में नहीं पाई जाती हैं। और चौथा जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इंडिया में का पार्ट है वो दैट इज़ या इंडिया उसका पार्ट है, इंडिया का कुछ भाग वहाँ उसका पार्ट बनता है, दैट इज़ सुंडालैंड हॉटस्पॉट। और इस ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया के साथ साथ में इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड भी इसमें हैं, और ये जो आइलैंड्स हैं वो 2013 में यूनाइटेड नेशंस ने बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिच टेरेस्ट्रियल डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है, साथ साथ में यहाँ मरीन डाइवर्सिटी भी बहुत रिच है, जिसमें मैंग्रोव, सीग्रास, बेड, कोरल रीफ्स वगैरह पाए जाते हैं, और कई तरीके के एनिमल्स यहाँ पे एंडेमिक एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो हॉटस्पॉट्स हैं वो हमें हमारे फ़ायदे के हॉटस्पॉट्स हैं, हमें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं वो, और ह्यूमन लाइफ जो है उन पर डिपेंडेंट है, तो हमें इनके कंजर्वेशन के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक पे बायोडाइवर्सिटी के और इम्पोर्टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।